आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बैनर तले और यहाँ पर भीम आर्मी बैनर और भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ पर सभी संगठन के लोग एक होकर के एक बैनर के तले आए हैं। और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक और दूधराम विधायक यहाँ पर हैं इस वक्त। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रिमिनल करने के फैसले को संपूर्ण भारत में बंद बस्ती बंद आज 1 अगस्त को बंद किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त और यहाँ पर विधायक कबिंद चौधरी विधानसभा कप्तानगंज, विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी, विधायक महेंद्र यादव विधानसभा बस्ती सदर सभी मौजूद हैं इस भारत बंद में। यहाँ पर देखिए सभी दुकानें चाय पान की जो भी हैं सभी बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए तिरंगा झंडा एको दिखाते नहीं तिरंगा झंडा वाले बैनर लगा रहा भैया। ये यहाँ पर देखिए SP ऑफिस के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस अधीक्षक बस्ती कि यहाँ पर ये शास्त्री चौक होते हुए कंपनी बाग होते हुए गांधीनगर होते हुए रोड बेड चौराहा दक्षिण दरवाजा जिला अस्पताल चौराहा फुहारा चौराहा और आपका पानी की टंकी होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए और न्यायालय होते हुए यहाँ पर देखिए जा रहे हैं। अभी शास्त्री चौक से होते हुए फिर DM कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर सभी SC ST OBC के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत अच्छा है और हम आपको यहाँ पर देख बता सकते हैं। देखिए जिला सत्र न्यायालय बस्ती है। आप देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और किस चीज के लिए निकाले हैं आप लोग? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को जो SC ST एक्ट के SC ST आरक्षण के खिलाफ जो फैसला सुना दिया जो गैर संवैधानिक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में SC ST को आरक्षण दिया था वो पूना पैट के तहत 1935 में, वो किसी सरकार की देन नहीं थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसका गलत परिभाषा किया, गलत व्याख्या किया। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार एक विधेयक ला करके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त के फैसले को रद्द करे, उसको बदले और हमारा अधिकार दिलाने का काम करे। इसमें है SC ST में जितने भी लोग आते हैं सबके हित की बात कही गई है। ये सबके हित की ही बात कही गई है, उसमें किसी का वर्गीकरण करके उनको उनके हक से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी नाते आज सारे दलित समाज के लोग, कोई इसमें बचा नहीं है, पूरा का पूरा दलित समाज, पूरे भारतवर्ष का SC ST समाज आज भारत बंद का आह्वान किया, इसमें कोई वर्ग खाली नहीं है। क्रीमी लेयर को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्रीमी लेयर की भी बात, क्रीमी लेयर संविधान में उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, संविधान में क्रीमी लेयर की बात ही नहीं है, आर्थिक उन्नति की कोई बात ही नहीं है क्रीमी लेयर का, संविधान से कोई व्यवस्था नहीं। थैंक यू। आप जो है
जो ये क्रीमी लेयर लगाया गया इसका अर्थ क्या होता है, लोगों को अभी ये मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल करते हैं। सरकार क्रीमी लेयर जो लगाती है वो गलत असंवैधानिक तरीके से लगा रही है, और आज वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम व्यवस्था से सारे एक ही वर्ग के न्यायाधीश बनाए गए हैं। हमारी डिमांड है कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से, कि कोलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके भारतीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिससे योग्यता के आधार पर सभी समूहों के लोग जो है न्यायाधीश के रूप में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच सकें, और ऐसे संजीदगी वाले मैटर पर वो अपने हिसाब से न्याय देने का काम कर सकें, जिससे भारतीय संविधान में एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को उनके जनसंख्या के हिसाब से जो आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है उस पर इम्प्लीमेंट होने का उन्हें अवसर मिल सके। ये देख, ये शास्त्री चौक पर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त भारत बंद का दिखा यहाँ पर शास्त्री चौक पर भी असर, सभी दुकानें लगभग बंद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस वक्त। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जय भीम के झंडे, पंचशील के झंडे और आपके तिरंगा के झंडे, भारतीय संविधान हाथों में लिए तक लिए लोग यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं जय भीम के, और अब यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी यहाँ पर नारे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एकदम जाम लगाया गया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दुकानें, यहाँ पर चाय पान की सभी दुकानें बंद है। ये शास्त्री चौक पर यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए समाजवादी पार्टी के सभी
पदाधिकारी यहाँ पर इस समय इकट्ठा हो गए हैं। आप देख सकते हैं हाथ में झंडा भी है और ये शास्त्री चौक से होते हुए, कंपनी बाग होते हुए, गांधीनगर होते हुए, रोडवेज चौराहा, दक्षिण दरवाज़ा, जिला अस्पताल चौराहा, पुनः वापस फिर कंपनी रोडवेज, कंपनी बाग होते हुए यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं और हम आप जानकारी यहाँ पर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के हाथों में अलग अलग पार्टी के लोग झंडा लिए हुए हैं, लेकिन सभी एक मंच एक साथ में हैं और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम आपको दिखा सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर आ है और इनके नेतृत्व में भी यह निकाला गया है। सर आप बताइए, यहाँ पर लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। एससी एसटी ओबीसी के लोग भी शामिल हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियाँ भी, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियाँ यहाँ पर जो जनपद बस्ती में फल फूल रहे हैं सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक मंच पर आए हुए हैं। इसे क्या कहा? हाँ, मेरा नाम तिलकराम गौतम है, मैं बौद्धिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंडल अध्यक्ष हूँ और ये आज पहली तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एससी एसटी में वर्गीकरण और क्रिमिलियर को लेकर के जो फैसला आया था उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देंगे और भारत बंद कराते हुए वहाँ से कटेश्वर पार्क से होते हुए, गांधीनगर होते हुए, न्याय मार्ग होते हुए अब डीएम कार्यालय जा कर के ज्ञापन देने का काम करेंगे। और ये यहाँ लाखों की भीड़ जो आके इकट्ठा हुई है, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियाँ शामिल हुई हैं। हम लोग हमारे संस्था को सारे लोगों ने सहयोग दिया और जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी, जब तक हमारे आरक्षण को ये बहाल नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये उसमें ला करके, संसद में ला करके और इसको नवीं अनुसूची में जब तक नहीं डाला जाता है तब तक मेरी लड़ाई बंद नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं बंद होगी और सरकार को होश में आना होगा। धन्यवाद।